आज क्या बन रही है? कटहल बिरयानी या कटहल पुलाव जो बन जाए। कटहल पुलाव क्या किया है कटहल पुलाव के लिए? ये कुछ बनाया हुआ है अभी? कटहल थोड़ा सा फ्राई करके मैरिनेट किया है, चावल हल्का सा हार्ड बॉइल किया है और प्याज। तो वो थी रेसिपी कटहल बिरयानी की। तो आज बनी है कटहल बिरयानी। तूफान आया है हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे, उसकी वजह से दिल्ली में भी थोड़े से बादल हैं पर बारिश वगैरह नहीं है, पर ह्यूमिड है मौसम, गर्म हो गया है। अभी कुछ दिन पहले हम सब सारे लोग जो है लैंसडाउन गए हुए थे। लैंसडाउन दिल्ली से लगभग 240 किलोमीटर दूर है। लैंसडाउन गए थे हम लोग? कहाँ गए थे? टाउन जो था वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि दिल्ली से इतना नज़दीक इतना अच्छा एक हिल स्टेशन होगा। तो लैंसडाउन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपसे कुछ पिक्चर शेयर करूँगा, आप देखिए उसको, काफ़ी अच्छा लगा। और जब वहाँ पर पहुँचे तो इतना ठंडा हो गया था रात में, क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था ना अभी कितना ठंडा हो गया था लैंसडाउन में, और बहुत ठंडा था ना। लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि दिल्ली से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 240 किलोमीटर की दूरी हम 6-7 घंटे में पूरी कर सकते हैं। लैंसडाउन का पुराना नाम कालू डंडा है, जिसका मतलब होता है कालू यानी काला और डंडा यानी पहाड़, जिसको हम गढ़वाली में पहाड़ कहते हैं। सन 1887 में ब्रिटिश वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लैंसडाउन यहाँ आए और तब से इस जगह का नाम लैंसडाउन रख दिया गया। ब्रिटिशर्स लैंसडाउन में अपनी गढ़वाल राइफल में सिपाहियों की भर्ती और उनकी ट्रेनिंग करती थी। आज भी यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट का हेडक्वार्टर्स है। लैंसडाउन में एक छोटी सी मार्केट है जो अपनी जगह के हिसाब से बिल्कुल ठीक है और ज़रूरत के सारे सामान मिल जाते हैं। इसके अलावा लैंसडाउन में देखने के लिए टिप एंड टॉप पॉइंट है, जहाँ से खूबसूरत हिमालय श्रृंखला दिखाई पड़ती है। सेंट मेरीज चर्च और बुल्ला ताल प्रमुख आकर्षण हैं। अगर आप लैंसडाउन आते हैं तो यहाँ आकर आपको हाइकिंग और नेचर वॉकिंग के फ़ायदे मिल सकते हैं। खाने के लिए यहाँ बहुत सारे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन नहीं हैं। जिस भी होटल में हम रुकते हैं उस होटल के अपने रेस्टोरेंट होते हैं और अधिकांश यात्री अपने होटल में ही खाना खाते हैं। इसके अलावा अगर आप एक अच्छे से कैफ़े में बैठकर एक कप चाय और कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स के साथ में पहाड़ियों के नज़ारे को एंजॉय करना चाहते हैं तो लैंसडाउन ट्रैवल टिप कैफ़े सबसे बढ़िया जगह है। हम लोग यहां पर GMVN टिप एंड टॉप रिजॉर्ट में रुके, जो कि टिप एंड टॉप के पास में ही था, और यहां रुकने का हमें अनुभव बहुत ही शानदार रहा। तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसी डेस्टिनेशन पे जाने की जो कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह ना हो, शांति हो, घूम जा सके और नेचर का जो एक और एक नेचर का जो फायदा होता है वो उठा सके। तो इसलिए हम लोग के दम लगा हुआ है इस पे गीले कपड़े से बांध करके तवे के ऊपर कढ़ाई में और फिर ये इसके अंदर रखा गया है। ये है स्वादिष्ट बिरयानी, साथ में रायता। वाह वाह वाह, मेरी वाइफ जो रायता बनाती है ना, वाह, इंस्टेंट और वेरी टेस्टी। वाह क्या स्वाद है, बहुत ही टेस्टी कटहल बिरयानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो। नमस्कार।